तो हेलो नमस्कार प्रणाम मेरे फूडीज, क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन सबके लिए जो कि चाट खाना पसंद करते हैं, चाट भेलपूरी या फिर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। तो जिस जगह पे आज हम आए हैं, इस जगह का नाम है चाट अड्डा। ये चाट और भेलपूरी वगैरह तो सर्व करते ही हैं, साथ ही में उसमें इनके साथ कुछ फ्यूजन भी डाल के देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आजकल की यूथ जनरेशन के लिए। तो इसी जगह को आज हम एक्सप्लोर करेंगे, इसकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप कर लीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगेगी तो एंड में वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अगर सिनेमैटिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस जगह की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको रानीपुर मोड़ पे होटल मधुबन के पास में मिल जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लोकेशन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इस जगह की बात करें चाट अड्डा, तो ये एक फ्रेंचाइजी है जो कि इंदौर की फ्रेंचाइजी है और इसके 170 के आसपास आउटलेट हैं इंडिया में और हरिद्वार में अभी आपके आ चुका है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इनके मेन्यू की बात करूँ तो आप एक बार देख लीजिए, ये इनका मेन्यू, इसमें आपको सारे नए नए आइटम मिल जाते हैं अलग अलग तरीके के। इनके शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे लेकिन आपको यहाँ पे ये सब टेस्ट करने को मिलते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें हम मंगाते हैं और उसके बाद इसकी प्राइस वाइज सब बताते हैं और फिर टेस्ट रिव्यू करते हैं। तो गाइस हमने चार पांच चीज़ें अपने सामने मंगा ली हैं और इनके नाम की बात करूं तो ये है चाट बास्केट और ये है चाट बॉम्ब। इसे जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं चाट टावर और ये सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है, इसकी प्लेटिंग काफ़ी शानदार है और इसे कहते हैं मुंबईया भेल। और साथ में हमने ड्रिंक मंगाई है ब्लू स्काई ब्लू मोहितो। तो इनकी टेस्टिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले हम इसे ही टेस्ट करते हैं जो कि है चाट बास्केट। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, छोटा सा। अमेजिंग, काफ़ी अच्छा इसमें मतलब डबल सा इसमें फ्लेवर है। थोड़ा सा पहले आप खाएंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा लेकिन अंदर जाके एक ब्लास्ट सा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको टेस्टी बना देता है। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है सही में, मज़ा आ गया भाई इसे खा के। तो भाई अपने दूसरी चीज़ टेस्ट करते हैं जो कि है चाट बॉम्ब। और इसमें जो आप एक कटोरी सी देख रहे हैं ये बेसन और सूजी से मिलके बनती है, ये भी ईटेबल है, हम ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर नमकीन पड़ी हुई है और टिक्की मुझे दिख रही है इसमें आलू की, ये टेस्ट करते हैं, संभाल के खाना पड़ेगा थोड़ा इसे। काफ़ी जैसा इसका नाम है वैसा इसका फ्लेवर है, बॉम्ब ये कहते हैं ना, मुँह में जाके एकदम काफ़ी अच्छा है। ये जो इसके अंदर टिक्की पड़ी है ये सेम वैसी पड़ी है जैसी आपने वड़ा पाव वगैरह में खाई होगी, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और मतलब क्वांटिटी आप देखिए, ये 60-65 रुपए के आसपास का शायद है, मैंने आपको मेन्यू में दिखाया था,
तो उसके हिसाब से क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दे रहे हैं। इतनी क्वांटिटी में अनार के दाने भी पड़े हुए हैं, धनिया भी पड़ा हुआ है, नमकीन तो है ही, बाकी पूरी चाट इसमें बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसी चीज़ आपने हरिद्वार में अगर आप रहते हो तो शायद ही कहीं खाई होगी, मुझे नहीं लगता खाई होगी। अगर खाइए तो कमेंट करके बताओ, वैसे नहीं खाई होगी, गारंटी है इस बात की। और यहाँ पे आके इसे ट्राई ज़रूर करें, यह चीज़ तो मस्ट रिकमेंडेड है। तो अपनी अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं मुंबईया भेल। ये देखिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे टॉपिंग सी लग रही है, और ये मुझे लगता है चटपटी होनी चाहिए थोड़ी सी। एज एक्सपेक्टेड, ये देखिए आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी ये लोग दे रहे हैं। आराम से इसे एक आदमी खाए तो पेट भर सकता है, बाकी सबका अपना अपना हिसाब है भाई, हमारा तो इतने में भी नहीं भरेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पर हाँ, अगर कंपेयर करें और आप यहाँ आके एक ही चीज़ खाना चाहते हैं, तो जो मैंने अभी खाया था ना चाट बॉम्ब, इनसेन, इसे ट्राई करें। तो भाई अपनी लास्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, चाट टावर इसका नाम है। ये देखिए, इसमें ऊपर शायद आलू की टिक्की है, टेस्ट करते हैं पहले। ये तो खैर सही है, अच्छी है, ये भी वड़ा पाव वाली टिक्की है। अब इसको ट्राई करते हैं। मैं तो अनार का फ्लेवर आ रहा भाई, बेहतरीन था। ये भी काफ़ी अच्छा है। ये तो मैं पूरा बिल्कुल नहीं खा पाऊँगा भाई, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे रखा है इन्होंने। और इसमें क्या क्या है, इसमें आपको सेब मिल जाएगा, भुजिया मिल जाएगी। तो गाइस अपनी अब लास्ट की तरफ चलते हैं, जो कि स्काई ब्लू मोहितो, और इसमें इनका पुदीना पड़ा हुआ है। और ये देखिए, इसकी नींबू कितना बढ़िया काटा है इन्होंने, ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, मैं तो ऐसे घर ले जा, इतना बेहतरीन लग रहा है। ये टेस्टिंग करते हैं, ये है सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग। अगर आप इतना सब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जो गले में थोड़ा सा भी होता है, उसको एकदम से रिफ्रेश कर देगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, और इसमें ब्लूबेरी फ्लेवर है। तो और भी बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन अगर आपको जो पसंद हो वो अपने हिसाब से मंगा सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ इन चीज़ों में से, अगर मैं बोलूँ तो आपको सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो चीज़, ये आप पीजिए तो आपकी खैर मर्जी है, ये जो चाट बास्केट थी, और चाट बॉम्ब, और तीसरी चाट टावर, ये तीन चीज़ें, इन पाँच में से ये तीन चीज़ें तो आप ज़रूर यहाँ पर आके ट्राई करें, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। तो मैं ये सब पहले फिनिश करता हूँ, उसके बाद एंड में आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों ऑनेस्टली अगर कहूँ तो मुझे तो ये चाट वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये जो फ्यूजन दे रहे हैं वो फ्यूजन आज तक हरिद्वार में कहीं नहीं मिला। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अगर आप चाट वगैरह या भेलपूरी वगैरह पसंद करते हैं तो यहाँ आके ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल इनके प्राइजेज़ हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में ये चीज़ें सर्व करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे जानकार के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस जगह के बारे में पता चले। फिर मिलेंगे किसी ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।